नए वजीर आला का इंतखाब फौरी करवाने पर डेडलॉक बरकरार। हाईकोर्ट ने फ्री कैन को मिलकर बैठकर हल करने का हुक्म दिया था। नून लीग का आज ही इजलास बुलाकर इलेक्शन कराने पर इसरार। काफ लीग और पीटीआई 16 अप्रैल को इजलास बुलाने पर बजे। हाईकोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत, वकला के दलाइल। अदालत का आज ही इलेक्शन से मुतल्लिक फैसला कराने का ऐलान। गवर्नर पंजाब की चौधरी बरादरान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरतेहाल और नए वजीर आला के इंतखाब पर तबादला ख्याल। पीटीआई के नाराज अरकान से राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। एक सौ 85 सीटों वाला ऑपोजिशन में और 85 सीटों वाला बरसर इकतदार आ रहा है। चोरों और भिखारियों की वजह से मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपनी रकूम निकालना शुरू कर दी है। रहनुमा पीटीआई फ्याजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर हाईकोर्ट का नया एडमिन ब्लॉक फॉल, चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में हाईकोर्ट के दीगर जजेस की भी शिरकत। एडमिन ब्लॉक 11 फ्लोर पर मुश्तमिल नई इमारत से तमाम ब्रांचेस को यकजा करने में मदद मिलेगी। और कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बन गए। कप्तान बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट 196 रन बनाए। वनडे सीरीज में बाबर आजम ने 2 सेंचुरियां।